नमस्कार दोस्तों, आपके अपने अर्थ एंड लाइफ चैनल में मैं आरके एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सीमेंट के दो प्यारे से DIY। बहुत ही प्यारे लगेंगे आपको और बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भी बना सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक तो कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है, आपने देखा ये हमारा, इसमें कोई सामान पैक करके बाहर से आया था, और एक ये प्लास्टिक का कंटेनर है। ये देखिए, इसमें ऑनलाइन हम कोई भी सामान मंगाते तो वो आता है। दोनों ही बड़े इजीली हमारे घर पे मिल जाते हैं, कबाड़ में पड़े थे तो हमने इसको यूज़ करा है। देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये प्लास्टिक का है और ये देखिए कार्डबोर्ड का है। तो आइए दोनों से हम अलग अलग DIY बनाते हैं, अलग से इसे प्लांटर बनाते हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये कार्डबोर्ड का जो डब्बा है इसको ले गए, इसके ये ऊपर की जो लेयर है हमने इसको उतारना शुरू कर दिया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऊपर की लेयर मैं क्यों उतार रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक डिज़ाइन निकल के आ रहा है जो कि हमारे प्लांटर पर रिफ्लेक्ट करेगा और हमारा प्लांटर इसी डिज़ाइन का बन के आएगा। देखिए, मैंने सारा इसका ऊपर का पेपर हटा दिया है ताकि हमारे प्लांटर में ये डिज़ाइन आ जाए। और देखिए, दूसरा जो प्लांटर हम बनाएंगे वो प्लास्टिक वाला है, आपने देखा है। उसमें हम उसकी दोनों जो उसमें कंटेनर है उसकी हेल्प से एक DIY बनाएंगे, एक प्लांटर बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो काम किया, देखिए सीमेंट का घोल, इसमें खाली सीमेंट मिलाई है मैंने, उसको थोड़ा सा पतला बनाया जिस तरह आपने देखा है। अब देखिए, पहले हम कार्डबोर्ड वाला बनाते हैं। देखिए, चारों तरफ मैंने इसमें ब्रिक की सपोर्ट लगा दी ताकि ये किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, हिले ना। और देखिए दूसरा डब्बा, ये पहले ही मैंने इसके साइज़ का देख लिया था, इसमें चारों तरफ हमारी कम से कम आधा इंच से पौना इंच जगह बचेगी, वो हमने पहले से नाप लिया था। इस तरह का दूसरा कंटेनर अगर आपके यहाँ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं नीचे इसमें इसकी बॉटम बना रहा हूँ। बॉटम में मैंने सीमेंट का होल भर दिया है और उसमें अभी हमने कोई होल नहीं किया है क्योंकि होल बाद में करेंगे। अब देखिए, इसका बॉक्स रख के साइड में इसका बराबर गैप मेंटेन करते हुए इसमें हम अपना जो घोल है सीमेंट का वो इसमें स्टेडिली भर देते हैं। दोस्तों, जब घोल आप भरें तो ध्यान रखें कि उसका एयर गैप ख़त्म कर लें, उसमें बीच में कोई भी चीज़ या तो जिससे आप जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उस टूल से उसको बार बार हिलाते रहें ताकि वो पूरा भर जाए, उसमें एयर गैप ना रहे। और देखिए, हमने प्लास्टिक के दो हैंडल लगा दिए हैं। ये प्लास्टिक के हैंडल मेरे यहाँ हम थई आंडी यूज़ करते हैं उसमें से निकले थे, ये देखिए मैंने लगा दिया। अब इसको हमने फिनिशिंग टच दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा हमारा पूरा भर चुका है और हमने ऊपर का फिनिशिंग टच दे दिया है। अब उसको हमने सूखने के लिए रख दिया, करीब 36 घंटे उसको हम सुखाएंगे। अब दूसरे प्लांटर की बारी है। ये देखिए, इसमें भी नीचे हमने पहले इसका बॉटम बना लिया, इसी तली बना ली है। अब उसके बाद इसमें देखिए जमुना सैंड भर के दूसरे कंटेनर में हमने इसको रख दिया है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। और इसके साइड में ये देखिए सीमेंट का घोल हमने अगेन भरना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत आसान है, आप बड़ा इजीली इसको बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सी भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब चीज़ बन के निकल के आएगी आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आप खुद देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आप बैंगल देख रहे हैं ये मेटल की बैंगल है, कड़े हम इसको बोल सकते हैं, और ये एकदम वेस्ट पड़े थे हमारे यहाँ, बिल्कुल कूड़े में डाल दिए थे उन्होंने, मान लीजिए। तो मैंने अपने गार्डन में इनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये देखिए, इसका हम प्यारा सा हैंडल बनाएंगे। दोस्तों, इसको जब हम बनाएंगे और जब इसमें मसाला भरते हैं तो ये हैंडल बार बार डिस्टर्ब होते हैं, कभी नीचे ऊपर जाएंगे, तो हमने लास्ट में क्या करना है, इनको दोबारा एक बार बैलेंस बनाना है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए जिस तरह मैं बना रहा हूँ ऐसे बैलेंस बनाना है। और इसमें भी हमें थोड़ा सा जो टूल है अपना, इसको बार बार इसमें मारते रहना ताकि इसमें अंदर एयर गैप ना रहे, क्योंकि एयर गैप रहेगा तो अपना गमला वहाँ से ब्रेक हो सकता है या उसमें होल रह सकता है। ये देखिए, हमने इसमें फिनिशिंग टच दे दिया है। दोस्तों, जो भी प्लांटर होते हैं, जो सीमेंट DIY प्लांटर होते हैं, हम उनको विंटर सीजन में करीब 36 घंटे सुखाते हैं। अब देखिए, हमने 36 घंटे इसको सुखा लिया था और गर्मियों में तो 12 घंटे में सूख जाता है। अब सुखाने के बाद देखिए, अब इसको खोल रहे हैं हम, थोड़ा सा मैंने इस पर पानी डाल दिया ठंडा ताकि आराम से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, निकल के हमारा बन गया है। ये मैंने आउटर जो इसका बॉक्स था वो हटा दिया। दोस्तों देखिए, कितने आराम से ये निकल गया, कितना सुंदर लग रहा है, उसमें डिज़ाइन हमारा पूरा आ गया है, जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो पूरा आ गया। अब जो इसका अंदर का बॉक्स है उसको भी आराम से निकाल देते हैं हम। हमने देखिए, उसमें कोई फिलिंग नहीं थी, खाली बॉक्स को रखा था क्योंकि चारों तरफ से वो अच्छी तरह से बंधा हुआ था, पूरा बंद था वो, तो उसको हमने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ इसमें कोई हम फिलिंग दे सकते हैं, जमुना सैंड वगैरह भर सकते थे। ये देखिए, अब ये कितना शानदार हमारा बन के निकला है, बहुत बढ़िया निकला है दोस्तों बन के। अब इसमें होल्स की बारी आती है, हम होल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी क्या है, विंटर सीजन चल रहा था, तो विंटर में इतना हार्ड सरफेस इसका नहीं होता, तो हमने देखिए सीजर से ही इसका होल बना लिया। और पहले इसमें होल नहीं बनाया था क्योंकि बाद में इजीली बन जाता, कम टाइम लगता और अच्छा बनता। देखिए, दो होल बना लिए, ज़्यादा होल्स की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बारी आ गई। देखिए, इसकी हमने पहले जमुना सैंड बाहर निकाल दिया, ये देखिए इसको साफ़ कर लिया है। और दोस्तों, जो ये प्लास्टिक वाली है तो बहुत ईजी है, देखिए कितने आराम से निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं
ताकि ये स्टिक हो रहा है आपस में, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, इसमें हल्का सा हाथ से खोल के थोड़ा थोड़ा इसमें ठंडा पानी डाला, गर्म नहीं डाला। अगर ज़्यादा स्टिक हो जाए तो आप गर्म पानी डाल सकते हैं। देखिए ये भी हमारा बड़े ईजिली निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाता है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। वो सब बड़े आसान है, देखिए कितना प्यारा सा बन के निकला, कितना अच्छा डिज़ाइन इसमें भी स्ट्रिप्स का आ गया है। अब दोस्तों बारी है पेंट करने की, देखिए अब पेंट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले है ना, इसमें हमने इस पर वाइट सरफेस बनाया है। वाइट सरफेस इसलिए हम बनाते हैं पेंट का, ताकि उस पर जो दूसरा कलर हम कोई भी करेंगे वो इजीली इस पर अच्छा चढ़ेगा, और उसमें दो दो तीन तीन कोट आपको नहीं मारने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले वाइट कर लीजिए, बाद में उसमें दूसरा कलर मारिए। और दोस्तों कलर के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं प्लास्टिक पेंट इस्तेमाल करता हूँ जो स्मेल फ्री होता है, और जिसमें किसी तरह का केमिकल कंटेंट जो होता है बहुत जीरो के बराबर होता है, तो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। हम उसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा। प्लास्टिक पेंट की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो हमारा इनेमल पेंट होता है उससे थोड़ी सी कम होती है, बट बहुत होती है दोस्तों। लेकिन सेफ रहता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा तो बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन इनेमल पेंट काफ़ी नुकसान करता है। दोस्तों देखिए अब किस तरह से हमने इसमें ये कलर कर दिया, हमने इसकी धारी में मारा है, इसमें हमारी कोई कलाकारी नहीं है। धारी में एक कलर छोड़ के दूसरा कलर का स्टेप ले लिया मैंने, और दोनों इसमें मिक्स कर दिए, तो इसमें बड़ा इजीली लग जाता है, क्योंकि इसमें धारियाँ बनी हुई, तो ब्रश आपकी जो है अपने आप चलती है, अपने आप रन करती है। अब देखिए नीचे मैंने जो इसका स्टैंड बनाया है, ये दोस्तों मैंने अभी वीडियो में तो इसका दिखाया है, पर इसमें दूसरा स्टैंड में यूज़ करूँ जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और इसको मैं दूसरा जो प्लांटर मेरा भी बनेगा जिसको मैंने पेंट करना है आपके सामने, उसमें लगाएंगे हम। तो इसमें मैंने अभी लगा दिया फिलहाल ऐसी स्टैंड करने के लिए। अब देखिए दूसरे प्लांटर की बारी आ गई है, ये देखिए इसका भी हमने पेंट स्टार्ट कर दिया। इसमें भी अगेन धारियाँ हैं, तो आपको पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये देखिए बड़े आराम से हो रहा है। अब इसमें जो हमने कम्बिनेशन लिया है, दो कलर का कम्बिनेशन लिया है, दोनों साइडों में मैं रेड कलर दे रहा हूँ इसमें, और बीच में देखिए हम इसमें दूसरा कलर मारेंगे, वो होगा हमारा ग्रीन कलर। दोस्तों प्लास्टिक पेंट सूखने में बहुत जल्दी सूखता है, और काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। प्लास्टिक पेंट की चमक भी अच्छी होती है, जो हमारा इनेमल पेंट होता है उससे थोड़ी कम होती है, बट अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है देखने। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए इसमें हमने ग्रीन कलर भर दिया बीच में, और दोस्तों जब ये दोनों कलर हो जाए ना, तो इसको सेपरेट लुक देने के लिए इसमें आउटलाइन मारनी बहुत जरूरी, जो मैंने बीच में मारी है। आप देख रहे हैं ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें ये अंदर एक टच और देता हूँ येलो कलर का, जिससे देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों बड़ा अच्छा ड्यूरेबल प्लांटर है। दूसरा क्या होता है, जो सीमेंट के डीआईवाई प्लांटर होते हैं ना दोस्तों, वो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे सूट करते हैं, इवन सर्दी में भी करते हैं, पर गर्मी में तो ये लगा लीजिए पौधों के दोस्त बन जाते हैं ये, क्योंकि सीमेंट होती है, ठंडा रखते हैं पौधों को, और पानी भी काफ़ी देर तक स्टे करता है, सूखने में टाइम लेता है। देखिए पहला प्लांटर हमारा बन के तैयार है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमने इसमें मिट्टी डाल के होल हमने कर लिए थे, आपको दिखाए थे, और ये देखिए प्लांट लगा दिया है। दोस्तों सीमेंट के जो प्लांट्स में है ना, प्लांटर में पौधे बड़े खुश रहते हैं, या तो मिट्टी के प्लांटर पौधों को बहुत सूट करते हैं, या फिर सीमेंट के बहुत सूट करते हैं, क्योंकि ये गर्मी में और सर्दी में इनको एक अच्छा टेम्परेचर देते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने आपसे कहा था, जो नीचे का बॉटम मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने लगा दिया है। अब देखिए ये हमारा दूसरा छोटा प्लांटर है, अब इसमें भी देखिए हमने पहले पत्ते डाले हैं। और दोस्तों मेरा सॉइल मिक्स मैं पहले से तैयार रखता हूँ, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया हुआ है कि मैं सॉइल मिक्स कैसे बनाता हूँ। ये देखिए मेरा जनरल सॉइल मिक्स है, मैं किसी भी प्लांट में इसको यूज़ कर सकता हूँ, वो मैंने डाल दिया है। अब देखिए ये दोस्तों आ गया हमारा कलेंचोए का प्लांट। दोस्तों देखिए इसकी हम कलम लगाएंगे, कलम बड़े आराम से लग रही है, फरवरी का महीना है, बड़े आराम से लगेगी, प्यार से लगेगी। आप अपने कटर को पहले स्टेलाइज कर लीजिए या धो लीजिए अच्छी तरह। अब देखिए इसमें एलोवेरा जेल लगा के कटिंग मैंने काट दिया, देखिए इसमें एलोवेरा जेल लगाऊंगा और ये कटिंग सक्सेसफुली इसमें लग जाएगी, बिना किसी दिक्कत के लग जाएगी दोस्तों। और बहुत प्यारी, जो इसमें बहुत प्यारी लगती है, जो इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं दोस्तों, ये फ्लावर्स भी एज इट इज़ रहते हैं, बल्कि जो इसमें फ्लावर बर्ड आए हुए हैं दूसरे, वो भी खिल जाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये जो मैंने सीमेंट डीआईवाई प्लांटर बनाया है, बड़े ईजी है बनाने में, थोड़ी सी बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद लॉन्ग लास्टिंग प्लांटर आपके सामने है दोस्तों, और देखने में सुंदरता का तो जवाब ही नहीं है। और देखिए हैंडल भी हमने हैंडल पे येलो कलर किया है, हैंडल भी कितने अच्छे हैं। आप इन हैंडल, ये हैंडल खाली शो के हैंडल नहीं है, आप इसे पकड़ के प्लांटर को उठा सकते हैं, बड़ा ईजिली उठ जाता है, मजबूत हैंडल लगे हुए हैं। तो देखिए अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों आपने देखा दोनों प्लांटर कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी अगले वीडियो में देता रहूँगा, तब तक मुझे आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।